लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी को दबाकर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपको हेलो एल्केन का नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें क्या है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, तो हम हेलो एल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे हम उसको डिटेक्ट करते हैं किसी भी लैब में या फिर हम नॉर्मली किसी भी फैक्ट्रीज में कैसे हम हेलो एल्केन को प्रिपेयर करते हैं। हेलो एल्केन मतलब एल्केन का मतलब कोई डेरिवेटिव ऑफ हैलोजन। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली एल्कोहल से बना है, ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एल्कोहल बहुत ही अच्छा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको हटाना इतना आसान नहीं है कि नॉर्मली हम क्लोरीन का रिएक्शन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो वो हट जाए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर हमें एल्कोहल को मतलब OH ग्रुप को हटाना है तो हमें कुछ फिक्स फंक्शनल ग्रुप है या फिर फिक्स रिएक्शन के रिएजेंट है जो हमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये याद रखिएगा कौन कौन से रिएजेंट जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। ठीक है, एक ZnCl2SCl है जिसे लुकास रिएजेंट कहते हैं। क्या कहा जाता है, लुकास रिएजेंट। ठीक है, लुकास रिएजेंट कहा जाता है। ठीक है, और फिर KBr/H2SO4 है, इसके प्रेजेंस में हम OH यानी कि फंक्शनल ग्रुप OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इलिमिनेट कर सकते हैं। PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड्स के यूज करके हम OH को रिप्लेस कर सकते हैं। PCl5 के प्रेजेंस में P4Br2 मतलब फॉस्फोरस और ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में, और SOCl2 सबसे बेस्ट मेथड होता है SOCl2 के साथ इसको एलिमिनेट करना। ठीक है, तो हम इसमें फर्स्ट लेके चलते हैं रिएक्शन विद लुकास रिएजेंट या ZnCl2। ठीक है, तो जैसे अगर हम अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ROH। यहाँ पे R क्या है, हमारा एल्किल ग्रुप, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा CnH2n+1। ठीक है, R हमारा क्या, एल्किल ग्रुप है जिसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+1, और OH हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमें अल्कोहल को OH को रिप्लेस करना है तो हम किसी भी इन सब में से कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यूज करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, हम नॉर्मली क्लोरीन से या ब्रोमीन से ही रिएक्ट करके हम अल्कोहल को हटा नहीं सकते, बिकॉज OH बहुत ही अच्छा फंक्शनल ग्रुप है जो कि बहुत अच्छे से बाउंड किया जाता है एल्किल ग्रुप से। ठीक है, तो अगर हम इसमें से पहला रिएजेंट लेते हैं लाइक ZnCl2/SCl, ठीक है, इसी को लुकास रिएजेंट कहते हैं। तो ये क्या करता है, ClOH को रिप्लेस कर देता है और हमारा क्या कंपाउंड बनाता है, RCl मतलब क्लोरो एल्किल क्लोराइड। ठीक है, एल्किल क्लोराइड। अगर हम इसी का कुछ एग्जांपल लें, क्योंकि आर हमारा क्या है ये आपको पता होना चाहिए, आर वैसे तो एल्किल ग्रुप है। अगर हम यहाँ पे आर की यहाँ पे CH3 रखें तो CH3OH इसको क्या कहा जाएगा, मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल। ठीक है, अगर इसका हम ZnCl2/HCl से रिएक्शन करें, ठीक है, तो क्या होगा, क्लोरीन हमारा क्या OH को रिप्लेस करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ZN, एनहाइड्रस ZnCl2 रहता है याद रखिएगा। ठीक है, Cl रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, CH3Cl, और CH3Cl हमारा क्या कहलाता है, क्लोरोमेथेन। ठीक है, क्या बनेगा, क्लोरोमेथेन बनेगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं नीचे, अगर हम यहाँ पे एथिल अल्कोहल ले लें CH3CH2OH, ये एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल का अगर हम सेम रिएक्टेंट ZnCl2/HCl से रिएक्शन कर दें, ठीक है, ZnCl2/HCl तो क्या करेगा, ClOH को रिप्लेस करेगा, और OH को रिप्लेस करेगा तो क्या बनाएगा, CH3CH2Cl क्लोरोइथेन। ठीक है, क्या बनाएगा, क्लोरोइथेन बनाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली अगर हम इसी का रिएक्शन C4H5 से या फिर हम कोई थर्ड डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, या सेकेंड डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3CH3Cl। ठीक है, अगर OH, ठीक है, अगर इसमें भी हम ZnCl2/HCl से रिएक्शन करें तो क्या करेगा, ClSOH को रिप्लेस करेगा तो क्या बना लेगा, CH3CH CH3 और
सीएल, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इसका अगर आईपीएससी मेन देखा जाए तो ये हमारा सेकेंड डिग्री का हेलो एल्केन है, मैंने बताया था आप लोगों को सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन। जब हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप सेकेंड डिग्री पर ज्वाइन रहता है, मतलब सेकेंड नंबर जिसमें टू डायरेक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। अगर इसका नाम बनाया जाए आईपीएससी नेम तो 1, 2, 3 ये प्रिफिक्स हो जाएगा, क्या नेम हो जाएगा 2-chloro-3-carbon की अगर चेन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, 3-chloro-propane, ठीक है। अगर हम कुछ और रिएक्शन देखें तो अगर हमारे पास कोई थर्ड डिग्री का अल्कोहल है, ये हमारा थर्ड डिग्री का अल्कोहल है, अगर देखा जाए तो एक इधर और एक इधर थर्ड डिग्री का अल्कोहल है। अगर पूछा जाए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करता है कि नहीं, तो याद रखिएगा ये नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। अगर चारों डिफरेंट ग्रुप रहते हैं तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करता है ना, तो यहाँ ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज नहीं शो करेगा। और अगर हम इसका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ कर दें, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ कर दें, इसमें हमें ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब थर्ड डिग्री होता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, थर्ड डिग्री हेलो एल्केन बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये जल्दी इलिमिनेट नहीं होते। और यहाँ पे आप देखिए, अगर ये Cl इस OH को रिप्लेस करता है, तो हमारा थर्ड डिग्री वो हेलो एल्केन बनेगा, और थर्ड डिग्री हेलो एल्केन बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हमें इसमें ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इसको रिप्लेस करेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 और Cl, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, थर्ड डिग्री हेलो एल्केन फॉर्म होगा, ठीक है, थर्ड डिग्री हेलो एल्केन। अगर हम इसका आईपीएससी नेम लिखे तो आईपीएससी नेम देखे, ये हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा 1, 2, 3, ये हमारा क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2-chloro-2-methyl और 3-carbon का है तो प्रोपेन, ठीक है, 3-2-chloro-2-methyl-propane, ठीक है, ये हमारा आईपीएससी नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का, ठीक है। अगर अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमें, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, एक आपको सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, CH3, CH2, CH2 और CH2, CH3, OH और CH3, ठीक है। इसमें भी हमारा आपको ये सॉल्व करना है ZnCl2, इसमें भी आपका थर्ड डिग्री है तो आप क्या लोगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लोगे, ठीक है। और जैसा मैटर था यहाँ पे हमने ये प्रिपेयर किया, वैसे ही आप इसको भी प्रिपेयर कर दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, KBr/H2SO4, ठीक है, KBr/H2SO4 के प्रेजेंस में आप देख लीजिए कैसे होता है, ये याद रखिए KBr हमारा एक क्या सॉल्ट है और H2SO4 क्या है, एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। तो KBr और H2SO4 पहले आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, वन मतलब की प्राइमरी सॉल्ट बनाते हैं और HBr का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक के इसको रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, तो क्या बनाएगा KHBr KHSO4, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ साथ हमारा जो H इलिमिनेट हुआ है वो क्या बनाएगा, HBr बनाएगा, ठीक है। अब ये हमारा कभी भी किसी भी अल्कोहल पे इम्पैक्ट करके अल्कोहल को हेलो ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, या हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो HBr है, तो अगर हम ROH से रिएक्शन करें, ROH हमारा क्या था, अल्कोहल था, ठीक है, ROH में अगर हम HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, H2SO4 रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, Br OH को इलिमिनेट करेगा और OH के साथ लेकर क्या बना लेगा, वॉटर बना लेगा, क्या बना लेगा, वॉटर, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा RBr फॉर्म होगा, ठीक है, RBr मतलब एल्केन ब्रोमाइड फॉर्म होगा, ठीक है, एल्केन ब्रोमाइड फॉर्म होगा। अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में हम पहला ले रहे हैं CH3OH आपका क्या है, मेथेनॉल है, मेथेनॉल का रिएक्शन हम किससे करेंगे, HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4,
तो H2SO4 के प्रेजेंट में अगर हम H3R के साथ करेंगे तो क्या होगा, Br इस OH को रिप्लेस करेगा और क्या बना लेगा, CH3Br प्लस वाटर। ठीक है, वाटर इसमें इलिमिनेट होगा। ठीक है, OH H के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा और Br इसको इलिमिनेट करेगा और क्या बना लेगा, CH3Br और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो मेथिन। क्या नहीं हो जाएगा, ब्रोमो मेथिन हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। तो हम दो कार्बन का ले लेते हैं CH3CH2, तीन कार्बन का ले लेते हैं CH2OH। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, थ्री कार्बन का है, थ्री कार्बन के लिए प्रोपेन लिखा जाता है और OH के लिए और तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन या प्रोपेल अल्कोहल। ठीक है, तो इसका रिएक्शन HBr के साथ किया जाए, किसके प्रेजेंस में करेंगे, H2SO4 के प्रेजेंस में। H2SO4 में Br OH को रिप्लेस करेगा और OH H के साथ क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो क्या बना देगा, CH3CH2CH2Br प्लस वाटर, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो और थ्री कार्बन की चेन है 1 2 3 तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है, 1 3 मतलब 1 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी रिएक्शन है, जैसे हमने अभी उसमें देखा था, अगर थर्ड डिग्री था और अल्कोहल था तो वो रिप्लेस करके क्लोरीन आ जा रहा है। अगर हमारे पास इसमें ऐसा कुछ दिया गया, लाइक हमारा कुछ ऐसा कंपाउंड दिया गया CH3CH2OH, अगर कुछ ऐसा कंपाउंड दिया गया, ये बहुत बार कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा गया कि इसमें क्या होगा अगर हम इसका रिएक्शन HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 रिएक्शन करें। ये याद रखिएगा, ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, हमारा जो भी अल्कोहल था वो 1 डिग्री अल्कोहल था। ठीक है, इस बार 1 डिग्री अल्कोहल तो है, लेकिन इससे हमारे क्या एक थर्ड डिग्री चेन कनेक्ट है। एक बात और ध्यान रखिएगा, हमेशा कोई भी कार्बन चेन, जैसे आप हैं, आप क्या होते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं। ठीक है, किस लिए पढ़ते हो आप, लिखते हो कि स्टेबल बन सको। तो ऐसे ही कोई भी कार्बन चेन या फिर कोई भी हमारा का ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करना चाहता है। ठीक है, तो इसमें हमारी शिफ्ट होगी जिसे एल्केन शिफ्ट या हाइड्रोजन शिफ्ट नॉर्मली हमारा कोई भी एल्केन करता है। ठीक है, तो जब हम इसके प्रेजेंस में अगर इसका रिएक्शन करेंगे तो ये याद रखिए, ये एच OH को एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब लेकर के इलिमिनेट हो जाएगा। तो जब ये लेकर इलिमिनेट होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, Br रेडिकल। Br रेडिकल क्या करेगा, किसी भी एक एटम को, जैसे अगर हमारा ये H इसको लेकर इलिमिनेट हुआ तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH3 और CH2। तो जब इसने दे दिया तो इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज दे जाएगा, क्या देगा, प्लस चार्ज रहेगा। तो हमारा जो कंपाउंड रहेगा, या तो ये मेथिल से, ठीक है, ये मेथिल इधर शिफ्ट हो जाए या ये मेथिल इसके साथ शिफ्ट हो जाए। तो अगर ये मेथिल शिफ्ट होगी तो ये हमारा क्या देगा, CH3, मान लेते हैं योली मेथिल शिफ्ट होगी। ठीक है, तो योली मेथिल शिफ्ट हुई तो ऊपर वाली CH3 तो रहेगी और ये मेथिल जब इस पे शिफ्ट होगी तो यहाँ पे आएगा CH2 और CH3। जब ये गया तो बैक साइड बॉन्डिंग होगी तो इसका जो प्लस चार्ज है, जैसे ही इससे बॉन्ड बनाएगा वो प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और ये जो प्लस चार्ज खत्म हुआ है वो इस पे रेडिकल फॉर्मेशन कर देगा, क्योंकि इससे तो फाइनली बॉन्ड कर दिया लेकिन यहाँ पे रेडिकल फॉर्म हो गया। और इसका भी हमारी देखा जाए तो अगर बॉन्डिंग देखा जाए तो अभी इसमें भी डिफिशियंसी है। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम रहेगा। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे भी डिफिशियंसी है और डिफिशियंसी होने के कारण जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके पास भी डिफिशियंसी आ गई, जिसके कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सेंटजर रूल आगे आप अभी पढ़ेंगे, सेंटजर रूल के हिसाब से ये हमारा कंपाउंड बनेगा। सेंटजर रूल क्या कहता है हमारा, कि मोस्ट स्टेबल हेलो एल्केन ही हमारे मतलब एनवायरमेंट में प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सेंटर प्रूफ से क्या बनेगा, एक एल्कीन बनेगा जो कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन है। ठीक है, लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी को दबाकर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।